ना बेलना, ना फटने का झंझट, ना मैदा का काम, एकदम हलवाई स्टाइल, फूली फूली खस्ता क्रिस्पी आटे की मूंग दाल कचौड़ी अब होगा बनाना बेहद आसान। जनरली जब हम बाजार में या शादी पार्टी में मूंग दाल कचौड़ी खाते हैं वो मैदा से बनी हुई होती है, पर आज की ये कचौड़ी इतनी शानदार बनेगी, इसके बाद आप हमेशा मूंग दाल कचौड़ी आटे से ही बनाएंगे। और वो जो शिकायत होती है ना कि कचौड़ी फट गई, खुल गई, स्टफिंग पूरी निकल गई, कोई शिकायत नहीं आएगी, एक भी कचौड़ी आपकी फटेगी नहीं, जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी। मेरी गारंटी है एकदम खस्ता बनेगी और ठंडी हो जाने के बाद भी ये फूली फूली ही बनी रहेगी। एक बार बनाइए, आराम से आप इन्हें 15-20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल जल्दी खराब नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हलवाई स्टाइल, शादी पार्टी स्टाइल, फूली फूली खस्ता आटे की मूंग दाल कचौड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 2 कप मूंग दाल। सिंपल पीली वाली मूंग दाल लेनी है आपको। यहाँ पर हमें मूंग दाल को बढ़िया से 2-3 बार पहले धो लेना है और धो करके 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दाल को पहले ही भिगो कर रख दिया था 2 घंटे के लिए, और आप देख सकते हैं कि दाल एकदम बढ़िया से फूली फूली दिख रही है। जब मैं नाखून से दबा रही हूँ तो ये टूट रही है, परफेक्ट। अब हम लेंगे एक छलनी और सारा पानी दाल का हम निकाल देंगे। अगर आपने इसमें पानी छोड़ दिया और फिर दाल को पीसा तो एकदम पतला पेस्ट सा बन जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए। तो मैं छलनी पर दाल को इस तरह डालकर इसी तरह छोड़ रही हूँ। तो जब तक पानी पूरा निकल रहा है दाल का, इतनी देर में फटाफट से हम आटा गूंथते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे एक बड़ा बर्तन या कोई परात ले लीजिए। इसमें मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। आज की ये खस्ता क्रिस्पी मूंग दाल कचौड़ी हम बनाएंगे गेहूं के आटे से, मतलब कि हेल्दी ऑप्शन। तो 2 कप आटा लेंगे, इसमें सबसे पहले जाएगा 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, जिसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है मूंग दाल कचौड़ी में। तो अजवाइन को इस तरह हाथ से क्रश करके डालें, जिससे कि सारा फ्लेवर ना आटे में आ जाए। अब जो नेक्स्ट जरूरी चीज है, जिससे जो हमारी कचौड़ी है वो एकदम खस्ता बने, अंदर तक क्रिस्प आए बढ़िया उसमें, तो मैं यहाँ ले रही हूँ मोइन के लिए घी। घी से बढ़िया खस्तापन आता है, आप यहाँ तेल भी ले सकते हैं, तेल से ज्यादा कुरकुरी क्रिस्पी बनती है और घी से खस्ता बनती है। तो आपको अगर बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनानी है तो आप घी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर जो घी है वो हल्का सा मेल्ट करके लें। तो लगभग 4-5 बड़े चम्मच के करीब मैंने घी लिया है, सारा एक साथ नहीं डालेंगे, पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 3-4 बड़े चम्मच। अच्छी तरीके से आटे में करेंगे मिक्स, के रेशे रेशे में बढ़िया से मोइन लग जाए, क्योंकि वही आपकी जो कचौड़ियां हैं उनको खस्तापन देगा। और ये देखिए, आटा आपको क्रम्बली सा लग रहा होगा, दिख रहा है इस तरह से। अब आप जब मुट्ठी बांधे तो इस तरह मुट्ठी उसकी बंधनी चाहिए। ये देखिए, आटा बिखर नहीं रहा है, बंध रहा है। ज्यादा प्रेशर से मुट्ठी मत बांधिएगा, हल्के हाथ से ही बांधिएगा, यानी कि मोइन जो आपने डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको यहाँ पे आटा ज्यादा बिखरा बिखरा लगे, मुट्ठी बंध ना पाए, तो आप थोड़ी सी घी या तेल की मात्रा और बढ़ा लें। अब जो नेक्स्ट टिप है बढ़िया खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए, वो है कि जो आपको आटा गूंथना है वो बिल्कुल भी सख्त नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट आटा लगाएंगे तो उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इस तरह आटे को बढ़िया मसल के गूंथ लें। अगर आपने इसका आटा सख्त लगाया तो क्या होगा, जब आप इसमें स्टफिंग भरेंगे तो वो अच्छी तरीके से सील नहीं हो पाएगी कचौड़ी, पूरी खुल जाएगी। इसलिए मुलायम आटा लगाना बहुत जरूरी है कि हमारी जो कचौड़ियां हैं वो फटे नहीं। 5 मिनट बिल्कुल बढ़िया से मसलते हुए आटे को एकदम सॉफ्ट हम गूंथ लेंगे। अब एक गीले कपड़े से इस तरह से ढक देंगे और 10 मिनट आटे को रखेंगे रेस्ट पर, जैसे जो सब चीजें हमने इसमें डाली है वो बढ़िया से एकदम मिक्स होके आटा बढ़िया स्मूथ हो जाए। चलिए फटाफट से तैयार करते हैं मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए बढ़िया सी मूंग दाल वाली स्टफिंग। अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में सारी दाल को हम डाल देंगे और रुक रुक कर मिक्सी चलाते हुए इसका दर दरा सा हम पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर जरूरी पॉइंट है, हलवाई जैसी खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए दाल को हमें दरदरा पीसना है, कि इसमें पानी ना रहे, इसका दाना हल्का हल्का दिखना चाहिए। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो दाल है वो बिल्कुल दरदरी सी पीसी है, यही देगा असली टेक्सचर स्टफिंग को, तब जो है खस्ता कचौड़ी खाने में मजा आ जाएगा। तो इसको निकाल के अलग रख लेंगे। अब आप लीजिए एक छोटा वाला ग्राइंडिंग जार, इसमें हम बनाएंगे एक जबरदस्त मसाला जो कचौड़ी को देगा एकदम बेहतरीन स्वाद। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, बहुत अच्छा लगता है इस मसाले में, तो बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा। साथ में मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच काली मिर्च साबुत, 1 बड़ी चम्मच सौंफ हरी वाली, 1 छोटी चम्मच जीरा। हलवाई ये वाला मसाला जरूर बनाते हैं, तभी वो टेस्ट और टेक्सचर निकल कर आता है स्टफिंग में। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 4-5 सूखी वाली लाल मिर्च। एकदम चटपटा खट्टा मजेदार हमारा मसाला तैयार होगा कचौड़ी के लिए। सभी चीजों को बिल्कुल दर दरा सा पीसेंगे, इसको भी फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है।
और ये देखिए एकदम दरदरा सा मैंने स्पेशल मसाला मिक्स तैयार कर लिया है। तो चलिए अब गैस पर रखते हैं एक पैन और इसमें हम डालेंगे 3 बड़ा चम्मच तेल। तेल की मात्रा यहाँ थोड़ी बढ़िया से लें क्योंकि ये जो कचौड़ी है हम ज्यादा दिन तक स्टोर भी करने वाले हैं, तो जो हमारी कचौड़ी का स्टफिंग है उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा रहे, इसलिए बढ़िया से भूनना जरूरी है। और तेल के बढ़िया से गर्म होते ही मीडियम फ्लेम पर इसमें हम डालेंगे हमारा तैयार मसाला मिक्स। फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम और लगातार चलाते हुए मसाले को भी भून लेंगे। बहुत ही बढ़िया स्वाद निकल कर आता है, तो यहाँ पर अच्छे से इस मसाले को भूनना भी जरूरी है। इसका टेक्सचर, सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस कचौड़ी के लिए। यहीं पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच हींग, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है मूंग दाल खस्ता कचौड़ी में। अच्छे से करेंगे सभी चीजों को मिक्स। अब जो सीक्रेट चीज मैं डालने वाली हूँ जिससे आएगा स्वाद का जादू, साथ के साथ एक प्रॉपर बाइंडिंग मिल जाएगी स्टफिंग को, तो वो है ये बेसन। जरूर डालते हलवाई भी डालकर देखिएगा, मस्त टेस्ट आएगा पूरी कचौड़ियों में। तो लगभग 4 से 5 बड़ा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे बेसन, यहीं पर डाल देंगे जिससे बेसन भी बढ़िया से मसालों के साथ भुन जाएगा। अच्छा, दूसरा फायदा क्या होगा, बाइंडिंग देगा और जो दाल में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा ना वो बेसन अब्सॉर्ब कर लेगा, जिससे जो मसाला मिक्स है उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। अच्छे से बेसन को भी भून लेंगे कि कच्चापन निकल जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि मसाला भी भून गया है, बेसन का कच्चापन भी निकल गया है, अच्छी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे हमारा दाल मिक्स, जो अभी हमने दाल पीस कर रखी ना वो सारी यहीं पर डाल देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए दाल को बिल्कुल बढ़िया से भून लेंगे कि इसमें पानी ना रहे, जितना भी गीलापन है ना वो सब खत्म हो जाए। ये रेसिपी ऐसी है ना कि घर के बच्चे हों या बड़े, सबको बेहद पसंद आने वाली है, आपसे उल्टा डिमांड कर बनवाएंगे। और आप देख सकते हैं कि बढ़िया से दाल भी भुनना शुरू हो गई है, ये देखिए इसका टेक्सचर। इस स्टेज पर अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी और हमारे स्टफिंग में बढ़िया सा टेस्ट आए तो 1 छोटी चम्मच में डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर ना हो तो यहाँ चाट मसाला डाल सकते हैं आप, बहुत बढ़िया लगता है। और साथ ही में डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और साथ में जाएगा स्वाद अनुसार नमक। और ये मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा फिलिंग में, तो आप जरूर डालें। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और नेक्स्ट इसमें जाएगी 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का टेस्ट मूंग दाल मसाला कचौड़ी में इतना गजब का आता है कि वो जो शादियों में हम खाते हैं ना, बिल्कुल वो वाला फ्लेवर देंगी आपकी मूंग दाल कचौड़ी। यहीं पर डाल देंगे और सभी चीजों को बिल्कुल बढ़िया से भून लेंगे। अच्छा, मैं हरा धनिया नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसको स्टोर करने वाली हूँ, यदि आप तुरंत बनाकर तुरंत ही कंज्यूम करना चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और ये देखिए मॉइस्चर खत्म हो गया है, खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है, सब चीजें एकदम बढ़िया से भुन गई हैं। अब ये जो मसाला है ना काफी दिन चल जाएगा, कचौड़ियां खराब नहीं होंगी, तो गैस को बंद कर देंगे और पूरे मिक्स को ठंडा होने देंगे। तो मिक्स हो गया है हमारा ठंडा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ट्रिक लगाएंगे फटाफट से मसाले की, हम छोटी छोटी बॉल बना लेंगे जिससे कि जब कचौड़ी भरे तो बार बार हमारे हाथ ना गंदे हो, इजीली हम फटाफट फटाफट कचौड़ियों को बना पाए। देखिए इस तरह से ना इसकी छोटी छोटी बॉल बना लें, परफेक्ट। और आज की जो मूंग दाल कचौड़ी है आपको बेलन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही मस्त बनेंगी, एक एक कचौड़ी आपकी फूलेगी, वो ट्रिक भी बताऊंगी मैं। तो सारी बॉल बिल्कुल इसी तरह तैयार कर लेंगे और अगर आपका कचौड़ी वाला मिक्स थोड़ा बच जाए तो आप इसको 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बस इस तरह से एक एयर टाइट बॉक्स में भर करके रख लीजिए फ्रिज में, फिर जब दिल चाहे निकालिए, चाहे पराठे में भर लीजिए या फिर इससे कचौड़ी बना लीजिए। आटे को चेक करते हैं एक बार और, आटे को बिल्कुल बढ़िया से मसल लेंगे और इसको बिल्कुल अच्छा स्मूथ कर लेंगे। और इस तरह से आटे का रोल बना करके इसमें छोटी छोटी नींबू के बराबर की बॉल तोड़ेंगे, जितनी बड़ी आपको कचौड़ी रखनी है या छोटी बनानी है उस हिसाब से आप रख सकते हैं, मैं मीडियम बना रही हूँ। ऐसे पेड़े तोड़ लेंगे और हथेली पर रखकर एकदम स्मूथ बॉल इसकी तैयार करेंगे। अब इस तरह से एक पेड़ा लें, हथेली पर रखें और इसको हल्का सा दबाएं। अब बीच में इस तरह अंगूठा लगा करके इस तरह प्रेस करें और साइड को कटोरी की तरह से शेप दें। बीच में थोड़ा मोटा रखेंगे, साइड पतले रखेंगे, बहुत जरूरी है जिससे कचौड़ी बढ़िया फूलेंगी भी फटेंगी नहीं। इस तरह से गैप बनाएंगे और बाकी बची हुई लोई को ढक देंगे और इसी तरह से सारी हम तैयार करेंगे। अब मसाले वाली आप बॉल लीजिए स्टफिंग वाली और इसको बीच में रखेंगे और साइड को उठाते हुए इस तरह हाथ घुमाते हुए ऊपर से सील करेंगे। सबसे जरूरी पॉइंट है परफेक्ट सील होना, अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर आपने कचौड़ी को परफेक्टली सील नहीं किया तो कचौड़ियां फट सकती हैं। हाथ नीचे भी घूम रहा है और ऊपर भी, जैसे मोदक वगैरह बनाते हैं ना बिल्कुल उस तरह से। आप ऊपर बचे हुए आटे को या तो तोड़कर अलग रख दें या इस तरह से मोड़कर इसी में ही इस तरह सेट कर दें। अब देखिए हथेली के बीच में वापस से रखकर
इसको हल्का सा करिए बीच में से प्रेस। ये देखिए यहाँ बीच में प्रेस कीजिए, फिर हल्के हाथ से साइड को थपथपाइए। इससे क्या होगा, जब आप इसे तलेंगे तो सारी कचौड़ियाँ एकदम से फूल जाएंगी। यही ट्रिक अपनाते हैं हलवाई भी, तो ऐसे ही प्रेस करते हुए इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। और ये देखिए परफेक्ट कचौड़ी तैयार हुई है, बेलन से बेलने की भी जरूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं कहीं से भी कचौड़ी खुली नहीं है, कहीं से स्टफिंग बाहर नहीं आ रही, एकदम परफेक्ट। तो ये देखिए वापस दिखा रही हूँ हथेली से, इस तरह बीच में हल्का सा प्रेस और साइड को हल्के हाथ से इस तरह से बढ़ाएं। आप चाहें तो इसको बेल भी सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया, क्योंकि अक्सर बेलने में कचौड़ी की स्टफिंग बाहर आ जाती है, हर कोई बेल नहीं पाता, तो ये बेस्ट तरीका है। ये देखिए बन गई ना, तो सारी ही इसी तरह से कचौड़ी हम पहले तैयार कर लेंगे, उसके बाद इन्हें फ्राई करेंगे। बस मेरी यही वाली ट्रिक आप याद रखिएगा, हथेली से बीच में आपको प्रेस जरूर करना है अच्छी फूली फूली कचौड़ी बनाने के लिए। अब आप गैस पर चढ़ाएं एक कढ़ाई और कढ़ाई में ऑयल डालकर लो फ्लेम पर हल्का गर्म करेंगे। नेक्स्ट जरूरी पॉइंट, बिल्कुल भी आपकी आंच ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तेल का तापमान बहुत ज्यादा गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए परफेक्ट कचौड़ी बनाने के लिए। तो जब आप कचौड़ियां डालें तो आपको बिल्कुल ऐसा हल्का गर्म तेल चाहिए, बहुत ही हल्के बबल्स आ रहे हैं आप देख सकते हैं, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है बढ़िया खस्ता और फूली फूली कचौड़ियां बनाने के लिए। बिल्कुल तेज गर्म तेल नहीं होना चाहिए, इसी तरह का हल्का। और जितनी कचौड़ी आपकी एक बार में आ जाए आप उतनी कचौड़ी एक बार में डालें। जितनी धीमी आंच पर आप इनको धीरे धीरे फ्राई करेंगे उतनी ही अंदर तक एक एक लेयर खस्ता बनेगी और परफेक्ट सिकेंगी हमारी कचौड़ियाँ। थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन फिर रिजल्ट भी एकदम मस्त आता है। कुछ ही देर में आप देखिएगा सब कचौड़ी ऊपर आने लगेंगी। और ये देखिए धीरे धीरे कचौड़ियाँ ऊपर आने लगी हैं, तो बस इस स्टेज पर एक चम्मच से थोड़ा थोड़ा ऑयल कचौड़ियों के ऊपर भी डालेंगे, जिससे ऊपर की लेयर भी बढ़िया सिकेगी, समय भी थोड़ा कम लगेगा। ये देखिए क्या मस्त फूल रही है, एक एक कचौड़ी फूलेगी आपकी। और उलटते पुलटते बिल्कुल बढ़िया से दोनों साइड से इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अगर आपको तेल ज्यादा ही ठंडा लगे तो इस स्टेज पर आप थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम कर लें। ये देखिए आप देख सकते हैं बेहतरीन और बहुत ही सुंदर हलवाई स्टाइल आटे की मूंग दाल खस्ता कचौड़ी तैयार हुई है, ना तो फटी है, ना तेल अब्सॉर्ब किया है और ना ही खुली है। आप देख सकते हैं कि पूरी स्टफिंग इंटैक्ट है, बिल्कुल भी कचौड़ी फटी नहीं है, फूली फूली खस्ता परफेक्ट बनी और देखने से पता चल रहा है तेल बिल्कुल अब्सॉर्ब नहीं किया है। ये है खास बात आटे की स्वादिष्ट मूंग दाल कचौड़ियों की। तो सभी को निकाल लेंगे, बहुत प्यारा कलर आ गया है। बस सारी टिप्स जो मैंने बताई हैं उन्हें जरूर फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी आपकी मूंग दाल खस्ता कचौड़ी, लगेगा नहीं कि आपने आटे से बनाई है। आप देख सकते हैं एकदम खस्ता बनी है, देखने से ही पता चल रहा है। और इसी तरह से सेकंड बैच की भी फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर जरूरी पॉइंट, सेकंड बैच की कचौड़ियां डालने से पहले क्योंकि तेल बहुत ज्यादा गर्म है पहले का, फ्लेम को आप कुछ क्षण के लिए बंद कर दें, हल्का सा टेम्परेचर ड्रॉप होने दें ऑयल का, उसके बाद आप इसमें कचौड़ी डालें, क्योंकि इतनी देर से सेक रहे थे ना तो तेल ज्यादा गर्म है। और फिर वापस से लो फ्लेम पर सेकंड बैच की भी हम कचौड़ियां फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि सेकंड बैच की भी हमारी कचौड़ियां एकदम परफेक्ट फ्राई हो रही हैं, अपने आप ही देखिए ऊपर आ गई, कहीं से भी ये फटेंगी नहीं, 100% मेरी गारंटी है। और जो टेक्सचर कलर टेस्ट इसमें आएगा, मतलब इतनी बढ़िया कि सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। जरूर ट्राई करने वाली रेसिपी, आप बनाइएगा जरूर इस बार गेहूं के आटे से। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे गेहूं के आटे की हलवाई स्टाइल शादियों पार्टी स्टाइल फूली फूली खस्ता एकदम जबरदस्त वाली टेस्टी मूंग दाल कचौड़ी, जिन्हें बनाना बिल्कुल बनता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक एक कचौड़ी फूली फूली है और खस्ता बनी है। और ये मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ, देखिए सुनिए आपने आवाज, और ये देखिए इसकी अंदर की स्टफिंग मस्त एकदम, पानी आ जाएगा मुंह में। मैं आपको एक और तोड़ के दिखाती हूँ, एक एक कचौड़ी फूली फूली है, खस्ता है और ठंडी हो जाने के बाद भी ये ऐसी ही रहेगी। और इनको मैंने यहाँ सर्व किया है फ्राइड मिर्च और मीठी सौंठ के साथ। मीठी सौंठ की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं आप इस सौंठ को, बहुत ही मस्त लगती है और इस कचौड़ी के साथ तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इस तरह से ऐसी मिलती है ना शादियों में, नाइफ से काट कर दिखाती हूँ मैं, परफेक्ट। जैसे मैंने इसको खट्टी मीठी वाली चटनी और हरी मिर्च के साथ सर्व किया है, आप इसको किसी भी रायते आलू की सब्जी हलवाई वाली किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस तरह से बना करके आप आराम से इसे 20-25 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, जब ये पूरी ठंडी हो जाए रख लीजिए, फिर जब भूख लगे निकालिए, चाहे टिफिन में ले जाइए, सफर पर ले जाइए, कभी भी इंजॉय कीजिए इन
मूंग दाल खस्ता कचौड़ियों को। तो फिर देर किस बात की, आप भी बनाइए, मुझे जरूर बताइए अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में कैसी बनी है आपकी खस्ता कचौड़ी। मुझे 100% विश्वास है कि आपकी भी मूंग दाल की कचौड़ी मुझसे भी बढ़िया बनेगी, आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है, फ्रेंड्स मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।